बच्चों की कस्टडी को लेकर बहुत से केस हमारे सामने आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि बच्चों की कस्टडी एक विशेष तौर पर विशेष मुद्दा सामने आता है, क्योंकि एक मासूम की जिंदगी का सवाल होता है कि किसके पास कस्टडी होनी चाहिए। तो आज आपको बताएंगे कि किन विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है अगर आप अपने बच्चे की कस्टडी चाहते हैं। कोर्ट क्या बातें देखती है, क्या चीज वो देखती है कि आपके पास हो और आपको कस्टडी मिल सकती है, तो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। लेकिन इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपको बताते हैं वो जनरल रूल, आम बातें जिसके आधार पर आपको कस्टडी मिलती है, कुछ विशेष बातें जो आपके पास होना जरूरी है ताकि आपको बच्चे की कस्टडी मिल सके। कुछ ऐसी बातें होती है, जनरल रूल होते हैं कि आपको बच्चे की कस्टडी मिलेगी। देखो, 5 साल तक बच्चे की कस्टडी माँ के पास रहनी चाहिए, एक जनरल रूल है, ताकि बच्चे का विकास सही तरीके से हो सके। लेकिन हाँ, कई विशेष परिस्थितियों में कोर्ट बच्चे की कस्टडी पिता को दे सकती है, जैसे कि माँ बीमार हो, मानसिक तौर पर बीमार हो, उसके पास पैसे ना हो, या फिर कोई और विशेष चीज़ ऐसी जिससे कि जो बच्चा है उसकी परवरिश ठीक ढंग से वो नहीं कर सकती है, अगर आप प्रूफ कर सकते हैं। तो ऐसी कई बातें हैं। कोर्ट में 2 तरह के केस आते हैं, कस्टडी किसके पास है और कस्टडी किसको मिलनी चाहिए। देखो, एक तो कस्टडी किसी के पास है वो भी आते हैं कि हाँ मेरे पास ही कस्टडी रहनी चाहिए। दूसरा, जिसे कस्टडी चाहिए वो भी केस आते हैं कि मुझे अभी कस्टडी चाहिए अपने बच्चे की, मेरा बच्चा वहाँ पे सही नहीं है, यानी कि मुझे नहीं लगता कि उसका मानसिक या शारीरिक विकास सही तरीके से हो पाएगा। तो यही चीज़ें देखते हुए कोर्ट भी डिसाइड करता है कि बच्चे का स्कूल कितनी दूर है, पिता की आर्थिक स्थिति कैसी है, मानसिक स्थिति कैसी है। अगर बच्चा उसके साथ छोड़ दिया तो क्या उसका संपूर्ण विकास होगा सही तरीके से, उसका आसपास का एरिया कैसा है, उसके पास पैसा कितना है, वो किस तरीके से बिहेव करता है, उसका पीछे का रिकॉर्ड कैसा है, या फिर उसके ऊपर अगर हमने वो भेज दिया बच्चा तो वो उसको सही ढंग से संभाल पाएगा या नहीं, संपूर्ण तरह से संपूर्ण विकास उसका सही तरीके से हो पाएगा या नहीं, और उसकी मानसिक परिस्थिति पे पूरा सही तरीके से असर होगा या नहीं। देखो, कोर्ट ये भी देखता है, जैसा आप ये भी देखते हैं कि बच्चा किससे अटैच्ड होगा। अब बात आती है कि कस्टडी कहाँ पे कस्टडी केस डाला जा सकता है। आपको बता दूं कि अगर आपका पहले से डाइवोर्स केस चल रहा है, ठीक है, तो आप उसी में एक एप्लीकेशन ऐड कर सकते हैं कस्टडी की। लेकिन हाँ, अगर आपको अलग से केस करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। बात आती है कि किस जगह पे कस्टडी केस डाला जा सकता है। तो जहाँ पे बच्चा रह रहा है वहीं पे कस्टडी केस डाला जा सकता है, यानी कि मान लीजिए बच्चा मुंबई में रहता है तो मुंबई में ही केस चलेगा, दिल्ली में रहता है तो दिल्ली में ही केस चलेगा। और हमारे पास एक ये भी सवाल आया कि एक बार मान लीजिए डिसीजन हो गया कि कस्टडी पेरेंट्स के पास रहे, उसके माँ के पास रहेगी या पिता के पास रहेगी, किसी के भी पास रहेगी, तो क्या डिसीजन बदला जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि हालात बदलते हैं तो सब कुछ बदला जा सकता है। अगर हालात बदल गए हैं तो कस्टडी के लिए आप फिर से एप्लीकेशन डाल सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं कि अभी इनका जो हालात था वो गया गुजरा हो गया, जैसा भी हो गया कि इनकी परिस्थिति सही नहीं है, बच्चे का विकास सही तरीके से इनके पास नहीं हो सकता है, तो आप भी कस्टडी मांग सकते हैं, चाहे वो माँ हो चाहे वो पिता हो। यानी कि मम्मी और पापा में से अगर एक बार कस्टडी मिल गई है, वो ऐसा नहीं हमेशा के लिए मिल गई है, अगर हालात बदल गए हैं बाद में तो भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं और फिर से कस्टडी आपको मिल सकती है। उम्मीद करती हूँ पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी कि किस तरह से आप अपने बच्चे की कस्टडी ले सकते हैं और किन बातों का आपको भी ध्यान रखना है, जो कि कोर्ट भी देखती है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, बच्चा आपसे कितना अटैच्ड है, बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास आपके पास कितना होगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आप बच्चे को समय दे पाएंगे या नहीं। पूरी तरह से सेटिस्फाइड होने के बाद ही कस्टडी आपको सौंपी जाती है। तो पूरी क्लियरेंस हो गई होगी कि आपको किस तरह से बच्चे की कस्टडी के लिए, अगर आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं, केस फाइल कर रहे हैं, तो क्या क्या बातें उसमें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें कोर्ट देखती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है।